हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, अब जब भी किसी धाम पे जाते हैं या आइडिया बनाते हैं किसी के धाम पे जाने का या शिव के मंदिर पे जाने के लिए, तो प्रभु को आत्मा ने क्या बोलना है? देखिए, हम चेतन सत्ता हैं, प्रभु हमारी अंतःकरण में स्थित है, तो प्रभु को बड़े अंतःकरण से विराग करके प्रभु को प्यार करना है, प्रभु को याद करना है, तब प्रभु की अक्षम चक्कियाँ अंदर जगेंगी हमारी। तो कैसे आत्मा विराग करेगी? तो आत्मा और शरीर दोनों मिलके प्रभु से बात करते हैं। मैं आई तोरे द्वार, शिव जी दया करो, शिव जी दया करो। ओ मैं आई तोरे द्वार, शिव जी दया करो, प्रभु दया करो। दुश्मन चाहे बने जमाना, भोले बाबा भूल न जाना। मैं भिक्षक तुम सरताज साईं दया करो, मैं सेवक तुम सरकार साईं दया करो, शिव दया करो, प्रभु दया करो, बाबा दया करो। मैं आई तोरे द्वार, शिव जी दया करो। मान और सम्मान न मांगू, झूठे जग की शान न मांगू, मुझे मिलता रहे तोरा प्यार, शिव जी दया करो। ओ मैं आई तोरे द्वार, शिव जी दया करो, प्रभु दया करो। साची प्रीत तुम्हारी गाता। अब ये शरीर जो है पांच भूत का, ये भी आत्मा के साथ मिल गया। साची प्रीत तुम्हारी गाता, ये जग है सब झूठा नाता। सचा तेरा दरबार, शिव जी दया करो। ओ मैं आया तोरे द्वार, शिव जी दया करो, प्रभु दया करो, रहबर दया करो, बाबा दया करो। मैं आया तोरे द्वार, शिव जी दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, हर हर महादेव। तो आत्मा शरीर के अंदर बैठी हुई है, अंतःकरण में स्थित है, दोनों मिलके परमात्मा को बोल रहे हैं कि हम तेरे द्वारे आए हैं, हमें तुम अपने धाम के में अपना बबोर दो, अपनी ललाट दो, हमें ऐसी कोई बिजली चमके कि तेरी ललाट मिल जाए, तेरा प्यार मिल जाए। इतने जन्म बीत गए, अनादि काल से हम धक्के खा रहे हैं। तो आत्मा और बॉडी दोनों को इकट्ठे होकर परमात्मा की चरण वंदना करनी है, और वो भी अंतःकरण से, इसका ध्यान रखते हुए शिव योगी ने पूजा करनी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।